Hi everyone, today we're going to talk about number series, which are very important from your NET exam perspective. आपके NET exam में number series से question हमेशा आते हैं. कुछ questions ऐसे होते हैं आपके NET exam में जिनके आने की possibility नहीं होती है, and कुछ questions आपके ऐसे आते हैं जिनकी possibility हमेशा होती है, and number series is one of them. So आपको ये number series prepare करके ठीक से जाना है, because इसके आने की possibility 100% होती है. So in today's video, we're going to talk about number series की कैसे-कैसे tricks आप इन्हें follow कर सकते हैं, and किस type के questions आपके NET के exam में आते हैं from number series. So let's start the video. So first of all, आपको ये चीज़ पता होना बहुत ज़रूरी है कि number series कितने types के होते हैं for UGC NET, and कौन सा type इनमें से सबसे ज़्यादा आपसे पूछा जाता है for UGC NET. So first of all, what will be the next number in the series? सबसे ज़्यादा आपके जो question बनते हैं, that is from this part, part one, आपसे mostly पूछा जाता है कि अगर आपको दिया है ऐसा कुछ, आपसे पूछ लेंगे इसके बाद का नंबर क्या है. ये होता है आपका फर्स्ट पॉइंट, जो कि आपसे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है. उसके बाद आता है फाइंड द मिसिंग वैल्यू अमंग देम. आपको कुछ नंबर्स दे देंगे, आपसे पूछ लेंगे इनके बीच में कोई वैल्यू है, ये कौन सी है, या फिर आपसे आ सकता है कोई एक सीरीज़ है उसमें रॉन्ग वैल्यू कौन सी है, आपसे ये भी पूछ सकते हैं. तो इसमें आपके क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आते हैं, बट आपके स्पेशली नेट एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन हमेशा आपसे फर्स्ट वाले से आता है, जिसमें आपको फोकस सबसे ज़्यादा करना है. बिकॉज नेट एग्ज़ाम में मोस्टली अगर आप देखेंगे प्रीवियस ईयर पेपर्स, आपसे हमेशा पूछा जाता है मोस्टली आगे का नंबर कि ये कौन सा है. सो फर्स्ट, सो नाउ types of series, कितने types की series होती हैं जो कि आपके net exam में आती हैं. तो these are the types of series जो कि आपके net exam में आती हैं, और हम इन्हीं की अब बात करने वाले हैं, क्योंकि आपके net के exam में इनसे आगे कुछ नहीं पूछा जाता, आपसे इन्हीं में से question आएगा, जिसमें आपका सबसे important जो आजकल चल रहा है, that is two steps series. Now let's go in detail. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका आता है प्राइम नंबर सीरीज़. आपका पहला जो आ सकता है, जिसके आने की पॉसिबिलिटी है, जो आपको सीखना है, दैट इज़ प्राइम नंबर सीरीज़. इनको कैसे सॉल्व करा जाए, इसमें कैसा पैटर्न लगता है आपका. सो पहली देखिए, इसमें अगर आपको प्राइम नंबर्स दिए हैं, प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो या तो वन से होते हैं डिवाइड, या तो खुद से होते हैं, जैसे कि हो गया 3, हो गया 5, 7, 11, 13, 7, 19. आपसे नंबर सीरीज़ में ऐसा भी आ सकता है, आपको सारे प्राइम नंबर्स दिए हुए हैं एंड आपसे पूछा गया है वैल्यू उनके, कि इसके आगे कौन सा प्राइम नंबर है. तो आपको ये चीज़ जाननी पड़ेगी अपनी नंबर सीरीज़ में, कि यहाँ पर आपको प्राइम नंबर्स दिए हुए हैं. अगर आपको यही नहीं पता कि ये वैल्यूज को प्राइम नंबर्स बोला जाता है, देन यू कांट सॉल्व द क्वेश्चन. तो आपको ये फर्स्ट ट्रिक याद करनी है कि प्राइम नंबर्स क्या है, प्राइम नंबर की सीरीज कैसे आती है. अगर आपको प्राइम नंबर की सीरीज ऐसे दी है, तो आपको आगे प्राइम नंबर लिखना है. सेकेंडली, आपको प्राइम नंबर का क्वेश्चन कुछ ऐसे भी आ सकता है, आपको एक सीरीज दी है प्राइम नंबर की, बट उन्होंने एक एक प्राइम नंबर को बीच में स्किप करा है. तो आपको ये देखना है कि उन्होंने कैसे दिया है क्वेश्चन, या उन्होंने ऐसे दिया है प्राइम नंबर का क्वेश्चन, क्या उन्होंने ऐसे दिया है प्राइम नंबर का क्वेश्चन. ये वाले में आप अगर देखें, एक एक प्राइम नंबर इनमें गायब है बीच में. तो आपके नंबर सीरीज में यही होगा, जब आप देखते हैं आपका नेक्स्ट आंसर ऐसे ही निकलेगा कि 29 के बाद आपका कौन सा है, 31 जो गायब था, उसके बाद आपका आता है 37. तो आपका आंसर क्या हो जाता है यहाँ पर, 37. तो आप इन दोनों में डिफरेंस ज़रूर देखिए, नंबर सीरीज प्राइम नंबर में कैसे कैसी आ सकती हैं. पहला आपसे डायरेक्ट पूछा गया है इसके आगे का प्राइम नंबर क्या है, या तो आपको बीच में एक एक गैप दे देंगे, या फिर क्या पता आपको दो दो गैप दे दें, आपको तीन तीन गैप दे दें. तो आपको पहले पता होना चाहिए प्राइम नंबर क्या होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं. सेकेंडली आपका आता है फ्रॉम एडिशन सेक्शन, जो कि सबसे ईजी है. आपको एक नंबर सीरीज दे देंगे, जैसे यहाँ पर आपको एक सीरीज दी है ये वाली, उसके बाद आपको पूछा गया है इसके आगे का नंबर क्या होगा. ये आपका सबसे कॉमन है जो आपके नेट के एग्जाम में आता है, नंबर सीरीज वाला. तो इसमें अगर आप देखें, तो यहाँ पर अगर बात करी है 3, 10, 17, 24, 21, 30, अगर आप इनका डिफरेंस देखें तो +7 का डिफरेंस है सब में.
यहाँ पर 7 का डिफरेंस है इनके बीच में भी 7 का डिफरेंस है, इनमें भी 7 का डिफरेंस है, इनमें भी 7 का डिफरेंस है, तो ऐसे आप पता लगा सकते हैं आपका नेक्स्ट नंबर क्या है, जो मैंने आपके लिए सॉल्व किया है 38 + 7 = 45। तो आपके ये क्वेश्चन बहुत आते हैं जहाँ पर आपको डिफरेंस देखना है बीच में कि कितना डिफरेंस दिया है, क्या ये एडिशन वाले में आता है, क्या ये सब्सट्रैक्शन वाले में आता है, तो यहाँ पर आपका आ रहा है इसमें प्लस हो रहा है, +7 + 7, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड आपका पैटर्न आता है सब्सट्रैक्शन सीरीज। देखिए ये एडिशन का एकदम अपोजिट हो जाएगा, ये भी बहुत ईजी है। यहाँ पर अगर आपको कुछ नंबर्स दिए हैं, आपको एग्जाम में मोस्टली ऐसे बड़े बड़े ही नंबर्स दिए जाते हैं ताकि क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा डिफिकल्ट लगे। तो जैसे यहाँ पर आपको दिया है 155, 149, 143, 137, 131, तो आपको इनका गैप देखना है कि कितना गैप दिया गया है। जैसे इनका गैप दिया है यहाँ पर माइनस में है, अगर आप देखें तो ये सारा कुछ डिक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीजिंग में जा रहा है ऑर्डर में, तो यहाँ पर -6 का डिफरेंस है इन सब में, तो जाहिर सी बात है इसका नेक्स्ट नंबर में भी -6 का डिफरेंस होगा, दैट इज 131 - 6 = 125। आपका ये भी बहुत आता है पेपर में। फोर्थली आपका आता है मल्टीप्लाई सीरीज, ये भी बहुत ईजी है। अगर आप देखें आपको मल्टीप्लीकेशन भी आता है, टेबल्स में भी आता है, जैसे यहाँ आपका है 3, 9, 27, 81, 243। अगर आप यहाँ देखें यहाँ पर मल्टीप्लाई चल रहा है और वो किस वे में चल रहा है, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, 27 × 3 = 81, 81 × 3 = 243, 243 × 3 = 729। तो आपको ये गेस करना है और आप ये चीज़ें तभी सॉल्व कर पाएंगे अगर आपको पता हो किस टाइप के नंबर सीरीज आपके नेट में आते हैं और यही टाइप से जो आपके पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको देखना है कि ये किससे डिविजिबल हो रहे हैं या ये किससे इनका जो है मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। आपको अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे आप देख के ही समझ जाएंगे ये कौन सा पैटर्न है, ये कौन सा टाइप है। सेकेंडली अगर आप देखें यहाँ पर 4, 8, 24, 96 की अगर वैल्यूज़ दी हैं तो यहाँ पर इस तरीके से आपको दिया है, आपको हमेशा ऐसे नहीं आएगा क्वेश्चन कि आपको सिर्फ एक ही यहाँ पर नंबर दिया है 3, 3, 3 से आपको करना है। मे बी आपको ऐसा भी आ जाए 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24, 24 × 4 = 96, 96 × 5, आपको आपकी वैल्यूज़ आगे भी हो सकती हैं, 2 × 2 = 3 × 4 = 5, उसका हुआ 480। तो आपके मल्टीप्लिकेशन में क्वेश्चन कुछ ऐसे ही आते हैं, या तो आपको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है या फिर आपका जो मल्टीप्लिकेशन का डिजिट है वो आगे बढ़ता जाएगा, 2 × 3 × 4 × 5। देन आपका आता है N2 सीरीज़। आजकल ये बहुत आ रहा है, स्क्वायर में पूछा जाता है, क्यूब में पूछा जाता है आपसे, तो ये भी आपके लिए पढ़ना ज़रूरी है। अगर आप ये पैटर्न को समझ लेते हैं आप इजीली समझ जाएंगे ये क्वेश्चन इसी सेक्शन से आया है। तो यहाँ पर अगर आपको दी है इक्वेशन 1, 4, 9, 16, 25, 20, 36, 13, 14, इनको देख के ईजिली आप गेस कर सकते हैं यहाँ पर स्क्वायर रूट, यहाँ पर बात हो रही है स्क्वायर की, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर है 9, 4 का है 16, 5, 25, 6, 36, 7, 49, देन आता है 8 का, 8 × 8 अगर आप करेंगे 64। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत आए हैं प्रीवियस ईयर में, आपको या तो स्क्वायर में पूछेंगे या तो क्यूब में पूछेंगे, N2 पूछेंगे या फिर N3 पूछेंगे। सो N3 है आपका नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज नंबर सीरीज। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में आता है N3 में, यहाँ देखिए आपको दिए हैं नंबर सीरीज 8, 27, 64, 125, 216। अगर आप देखें तो यहाँ पर 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, then 7 का क्यूब की बात चल रही है, 2 × 2 × 2 = 8। देन आपका आता है ऑल्टरनेटिंग सीरीज। ऑल्टरनेटिंग सीरीज आपके बहुत फेमस है आपके नेट के पेपर में, आपको ऐसा बहुत बार आता है कि आपको कुछ आपके जो डिजिट्स हैं वो प्लस में जा रहे हैं एंड कुछ बीच के डिजिट्स जो हैं वो माइनस में जा रहे हैं, तो आपका जो पैटर्न नंबर 7 है एंड पैटर्न नंबर 8 जो इसके बाद आएगा वो आपको समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज आपका डिफ़िकल्टी लेवल इनमें बढ़ता जाता है और आपके पेपर में ज़्यादा क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। तो देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, आपको जो डिजिट्स दिए हैं 8, 19, 18, 14, 28, 9, यहाँ पर अगर आप एक एक गैप देखें तो +10 हो रहा है, फिर +10 हो रहा है, फिर +10 हो रहा है, और अगर आप इनके बीच के नंबर्स देखें वह -5 हो रहा है। तो कई बार आपको
ऐसे नहीं देखना है कॉन्जिक्यूटिवली, आपको देखना है एक नंबर छोड़ के, दैट इज 8, 18, 28, फिर आपका आंसर आता है इससे 38, और आपके बीच के नंबर जा रहे हैं माइनस में. तो अगर आप देखें, आपको पैटर्न नंबर 7 एंड पैटर्न नंबर 8 की प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, बिकॉज आपके नेट के पर्सपेक्टिव से इनसे क्वेश्चन ज़्यादा निकल रहे हैं. तो अल्टरनेटिंग सीरीज आप ज़रूर पढ़ के जाएँ, जहाँ पर आपको हमेशा यही देखना है कि कई बार गैप में भी आपके जो होते हैं नंबर्स एक साथ जा रहे होते हैं, कुछ प्लस में जा रहे होंगे एंड कुछ माइनस में जा रहे होंगे. तो आपका जो आंसर होगा दैट इज 28 + 10, दैट इज 38. सो ये आपका है अब 8th, जो कि आपका है टू स्टेप सीरीज. आपका टू स्टेप सीरीज सबसे इंपॉर्टेंट है नेट के पर्सपेक्टिव से, बिकॉज इसको हम टू स्टेप सीरीज इसलिए बोलते हैं बिकॉज आपके यहाँ पर दो स्टेप चलेंगे, दैट इज दिस वन एंड दिस वन. तो अगर आप यहाँ पर देखें इन डिजिट्स को 7, 14, 30, 56, 93, अगर आप इनका गैप निकालेंगे तो सबसे पहला काम आप स्टेप क्या करते हैं, आप इनका गैप देखते हैं कि इनमें कितना गैप है इनके बीच में. और जब भी आप इनका गैप देखेंगे तो आप देखेंगे कि मे बी इनका कोई आपको पैटर्न समझ नहीं आ रहा है कि ये प्लस में हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये कौन से पैटर्न में जा रहा है, ये कैसे प्लस किया गया है. क्योंकि यहाँ अगर आप देखें इनका डिफरेंस 7, 16, 26, 37, 49, तो कोई इनका तुक नहीं बैठ रहा है, आपको समझ नहीं आएगा कि ये किस पैटर्न में दिया गया है. तो ये जो आप देख रहे हैं 7, 16 वाला, आपको समझ नहीं आएगा ये किस तरीके से प्लस किया गया है, किस या तो किस तरीके से ये हो रहा है. तो इसके लिए आपको एक स्टेप और लेना पड़ता है जहाँ पर आप इनका भी गैप देखेंगे. वहाँ पर आप देख रहे हैं +9, +10, +11, तो आप वही समझ जाते हैं कि ये एक एक टर्म आगे बढ़ रहा है. तो कई बार आपको टू स्टेप सीरीज का यूज़ करना पड़ता है, जहाँ पर आपको पहला डिफरेंस निकाल के समझ नहीं आता कि आप क्या कर रहे हैं, उसके बाद आपको दूसरा स्टेप भी लेना पड़ता है जहां पर आप देखते हैं एक और डिफरेंस कि कैसे ये सॉल्व हो रहा है, जहां पर मोस्टली आपका आंसर छुपा होता है. तो इसका आंसर है यहां पर +9 हो रहा है, +10 हो रहा है, +11 हो रहा है. पहले आपको सर्च करना है ये कि ये क्या है, उसी से आप ये निकालेंगे. तो ये आपका कैसे आया, जब आपने देखा +9, +10, +11 हो रहा है, तो आपको पता है कि आगे +12 ही होगा, 9, 10, 11, 12. तो आप जब 37 में +12 करेंगे आपका आंसर आएगा 49, फिर जब आप 93 में करेंगे इतना +49, तो आपका आंसर क्या होता है 142. इसको ध्यान से समझिएगा, आपके नेट एग्जाम में क्वेश्चंस ऐसे बहुत आ रहे हैं. पहले आपका नंबर सीरीज चलेगा, जो आपको देखना है उसका डिफरेंस कितना है, और उसका डिफरेंस आपको जब समझना है कि ये किस पैटर्न से लिया गया है. ऐसा कई बार हो सकता है आपके साथ, तो आपको एक और डिफरेंस निकालना है जहां पर आपका आंसर मोस्टली छुपा होता है, और वहां पर आपको देखना है कि आपका डिफरेंस किस तरीके से लिया गया है. यहां पर लिया गया है +9, +10, +11, तो +11 के बाद +12 ही आएगा, क्योंकि यहाँ कोई, क्योंकि ये एकदम सीरीज में आपका चल रहा है. तो +12 जब आप करेंगे, 37 + 12 आपका आएगा 49, फिर उसके बाद जब आप 93 में 49 प्लस करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, दैट इज 142. नाउ लेट्स सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. यही आपके 8 बैकग्राउंड्स है, जहाँ से यही आपके 8 टाइप्स है जहाँ से आपके क्वेश्चंस आते हैं नेट के, इसके अलावा आपके कहीं से नहीं आते हैं. पैटर्न नंबर 7 एंड पैटर्न नंबर 8 आपके लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है, उसके क्वेश्चन आपको उसके मॉक टेस्ट लगाना ज़रूरी है, क्योंकि आपके ज़्यादा क्वेश्चन आजकल वहीं से आ रहे हैं. अगर आप अपना दिसंबर का देखें पेपर, आपके क्वेश्चन वहीं से आए हैं. आपको पता होना चाहिए कि टू स्टेप सीरीज कैसे होती है. आपको पहला डिफरेंस निकालना है, पहले डिफरेंस से आपको समझ ना आए तो आपको दूसरा भी निकालना है डिफरेंस, उसके बाद आप आराम से पता लगा सकते हैं आपका आंसर क्या है. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो हम सॉल्व करने वाले हैं प्रीवियस ईयर पेपर से. आपको ये सीरीज दी थी 2, 8, 26, 62, 122, 212. देखिए अब यहां पर आपका यही पैटर्न अप्लाई होता है, पैटर्न नंबर 8, जहां पर आपको पहला डिफरेंस निकालना है जो कि है +6, +18, +36, +60, +90. अब आपको ये डिफरेंस पता करना है, तभी आप निकालेंगे अपना ये. तो आप ये पहले कैसे पता करेंगे, अब आपको नहीं पता, अब आपको यहाँ पता नहीं चल रहा है कि ये किस तरीके से पैटर्न बनाया है, तो आप एक स्टेप नीचे लेके इनका भी डिफरेंस देखेंगे. और जब आप इनका डिफरेंस देखते हैं आपको साफ पता चल रहा है ये तो 6 की टेबल की बात हो रही है. 6 2 = 12, 6 3 = 18, 6 4 = 24, 6 5 = 30, 6 6 = 36. तो आपने जब ये देखा 36, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर 36 यू, तो ये आपका आंसर क्या हो जाता है 36. और 36 से आप कैसे निकालेंगे,
यहाँ पर आप क्या करेंगे, 90 + 36 आपका ये आ गया 126, और 126 को जब आप प्लस करेंगे 212 से आपका आंसर आएगा 338, जो कि आपका आंसर है. इसको ध्यान से फिर सुन लीजिए. नंबर सीरीज का आप पहला डिफरेंस निकालेंगे. जब आपको पता है, आपको नहीं समझ आ रहा है ये किस पैटर्न में दिया है, आपको कोई क्लू नहीं मिल रहा है, कोई इनका सेंस ही नहीं बन रहा है, आप एक और डिफरेंस लेंगे और उस डिफरेंस में आपका आंसर होगा. यहाँ पर आपको 6 की टेबल दी गई है, उसके बाद आप उससे निकाल सकते हैं कि ये 36 है, आपका आंसर आ गया है. उसके बाद जब आप 90 + 36 करेंगे 126 आएगा, उसके बाद आपका 212 में ये ऐड हो जाएगा, आपका आंसर आएगा 338. तो आपको टू स्टेप सीरीज पढ़ना बहुत जरूरी है, जहां पर आपके दो स्टेप निकलते हैं, आपको दो बार करना पड़ता है ऐसे. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आपको यहां सीरीज दी है 41, 27, 16, 8. तो ये सीरीज अगर आप देखें तो ये डिक्रीज हो रही हैं, ये पीछे जा रही हैं, ये माइनस में जा रही हैं, और यहां पर भी आपका पैटर्न लगता है पैटर्न नंबर 8. टू स्टेप्स चलेंगे आपके यहां पर भी. तो अगर आप यहां देखें, प्रीवियस क्वेश्चन में आपका जा रहा था प्लस में, उसके बाद आपकी टेबल लगी थी 6 की, यहां पर आपका जा रहा है माइनस में, -14, -11, -8. तो यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर इनके बीच में अगर आप इनका आप डिफरेंस निकाले तो ये 3-3 का डिफरेंस है इनमें. तो आप इजीली गेस कर सकते हैं, 8 में से आप जब 3 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 5. तो जब आप फिर उसके बाद जब आप 8 से 5 माइनस करेंगे आपका आंसर आता है 3. तो इसका पैटर्न ये है. तो देखिए इसका आंसर कैसे आया, एक बार फिर सुन लीजिए. आपको यहां पर पैटर्न दिया है डिक्रीज सेशन में, आपको यहां सीरीज दी है जो डिक्रीज हो रही है, उसमें जब आप इनका डिफरेंस निकालते हैं, इनका सब्सट्रैक्ट करके इनका माइनस में क्या क्या वैल्यू आ रही है, फिर आप उनका डिफरेंस निकालेंगे तो उनका डिफरेंस सेम जा रहा है 3, 3, 3. तो आप इजीली नेक्स्ट वैल्यू निकाल लेते हैं जो कि 5. उसके बाद जब आप 8 को माइनस करेंगे 5 से तो आपका आंसर आएगा 3. तो आपका आंसर है ये. तो ये भी आपका टू स्टेप में चला है. तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, जहां पर आपको सीरीज दी है 2, 5, 10, 17, 26, 37. तो ये वाली सीरीज जो आपकी है, इसमें आपको दिया है प्लस का पैटर्न. यहां पर आपका चल रहा है एडिशन, प्लस चल रहा है आपका. यहां पर कैसे चल रहा है, 2 में आपको 3 प्लस करा 5, 5 + 5 = 10, 10 + 7 = 17, 17 + 9 = 26, 26 + 11 = 37, 37 + 13 = 50. तो अगर आप यहां देखें, यहां पर 3 प्लस हो रहा है, फिर प्लस 5 हो रहा है, प्लस 7 हो रहा है, प्लस 9 हो रहा है, प्लस 11 हो रहा है, फिर प्लस 13 हो रहा है. तो ये आपका काफी इजी पैटर्न था. आपके ये भी पेपर में आया है. आपके पेपर में कभी कभी टू स्टेप सीरीज आते हैं, कभी सिंपल आता है कि आपको ऐसा जनरल बोलेंगे, एडिशन दे देंगे आपको, प्लस 3 है यहाँ पर, फिर प्लस 5 है, फिर प्लस 7 है, प्लस 9 है, प्लस 11 है, प्लस 13 है. तो आपके ऐसे भी क्वेश्चन आए हैं. नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, ये आपको खुद सॉल्व करना है, जो कि आपके प्रीवियस ईयर पेपर में भी आया है. तो आपको बताना है कि इसका आंसर क्या है. तो आप ये सॉल्व जरूर कीजिएगा एंड मुझे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई जरूर कीजिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. सब्सक्राइब टू अवर चैनल. आपकी कोई भी क्वेरी हो, आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर रिप्लाई करें एंड आप ये क्वेश्चन सॉल्व करके जरूर दें. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, आप जरूर लाइक करें एंड प्रेस द बेल आइकन.